नमस्कार, मैं हूं नेहा वर्मा और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। आज आपको एक ऐसी खबर दिखाते हैं जिससे आप भी हैरान हो जाएंगे। जी हां, आपने हमेशा सुना होगा कि पुलिस ने दबिश देकर किसी व्यक्ति को एक अन्य महिला के साथ रंगे हाथ दबोचा, लेकिन यहां बिल्कुल विपरीत है। पत्नी ने अपने पति, वो भी थाना प्रभारी, को एक गैर महिला के साथ बंद कमरे में रंगरलिया मनाते हुए पकड़ा, जो मध्य प्रदेश में खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि धार जिले के गंधवानी थाना प्रभारी सूर्यवंशी की पत्नी इंदौर में रहती है और जनाब गंधवानी में गैर महिला के साथ बड़ी मौज मस्ती कर रहे थे। टीआई साहब ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कोई उनके द्वारा किए जा रहे कुकर्म पर दबिश भी दे सकता है, क्योंकि पुलिस ऊपर से थाना प्रभारी, भला कौन हिम्मत करेगा। लेकिन टीआई सूर्यवंशी की पत्नी अचानक आ वहां पहुंच गई। उन्हें आशंका हुई कि उनके पति किसी गैर महिला के साथ कमरे में रंग रलिया मना रहे हैं। उन्होंने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और खूब भीड़ इकट्ठा कर दी। इसकी सूचना एसडीओपी को मिलते ही वे मौके पर पहुंचे और लड़की को कड़ी से सुरक्षा के साथ बाहर निकाला। इस पूरी घटना को धार एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने संज्ञान में लेते हुए गंधवानी थाना प्रभारी सूर्यवंशी को लाइन अटैच कर दिया गया है। मध्य प्रदेश से स्टेट हेड अमर वर्मा की रिपोर्ट। आरोप लगाए उनके पति पर और हंगामा हुआ है, तो क्या कुछ घटना है? ये पीआई गंधवानी सूर्यवंशी, इनके संबंध में जानकारी मिली, इनकी पत्नी को कोई सूचना मिली कि उन्होंने किसी लड़की से शादी कर ली, और क्योंकि एक विवाहित होते हुए यदि दूसरी लड़की शादी करता है स्वाभाविक उसकी पत्नी को परेशानी खड़ी होगी, तो उसी सूचना पर महिला आई और उसने उनको निकालना चाहा बाहर, नहीं निकली वो, इसके कारण हंगामा खड़ा और हंगामा खड़ा होने पब्लिक भीड़ हो गई और पब्लिक ने भी काफ़ी हंगामा किया वहाँ पर। उन्हीं के कारण वो महिला के साथ दे रहे थे, PIT श्रीमती के साथ दे रहे थे, इसलिए वो पब्लिक भी उनके सपोर्ट में थी। बाद में हमने देखा तो वहाँ के मीडिया और कुछ प्रबुद्धजनों ने भीड़ को हटाया वहाँ से, और वहाँ से हटाने के बाद में ये रहा कि शांतिपूर्ण को अलग कर दिया गया। ये साहब को तत्काल प्रभाव से निलंबित, लाइन अरेस्ट किया गया है पुलिस अधीक्षक मोदी आदेश से। मतलब लाइन सर, TI साहब ने इतनी पब्लिक के सामने उनकी पत्नी को चेटी पकड़ के घसीटा और मारा, सर क्या कुछ कार्रवाई होगी सर? उसके उनकी भी श्रीमती जो शिकायत करेगी हमको, उसके अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई। लेकिन सर जो पब्लिक ने देखा था, हाँ ठीक है पब्लिक ने देखा, लेकिन जो शिकायत करता है उनकी पत्नी, पारिवारिक मामला है, यदि वो शिकायत करती है तो निश्चित रूप से खिलाफ। सर बताया जा रहा है कि जो लड़की है जिससे युवा हुआ है वो नाबालिग है, क्या कुछ अभी संबंध में जांच के बाद ही पता चल पाएगा, उसके कथन लेंगे, उसके मार्कशीट वगैरह की जांच करेंगे, उसमें यदि पाई जाती है नाबालिग तो उसके अनुसार कार्रवाई। लड़की के नाम अभी हमें जाती है। सर जब इस तमाम पूरे मामले का जब वीडियो मीडिया कर्मियों के द्वारा बनाया जा रहा था, तो TI साहब मीडिया वालों का भी कैमरा छीनते हुए नजर आया सर, अभद्रता भी की उन्होंने, वो उसके संबंध में वरिष्ठ अधिकारी अवगत कराया जाएगा और उनके खिलाफ जो भी एक्शन उन्होंने हो सकता है। मैं उसमें बाद में आ गया, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन उसको मुझे फुटेज देखने के बाद में और वरिष्ठ अधिकारी नॉलेज मिलाने के बाद में जो भी एक्शन होगी उनके खिलाफ करा जाएगा। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।